हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है सेट थ्योरी। ठीक है, ये अपना बेसिक क्लास चल रहा है तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल वाला जो चैप्टर था उसमें कुछ बताने को है नहीं तो उसमें बताते नहीं है, सीधे आगे चलते हैं आज। ठीक है, सेट थ्योरी कहाँ से बात करते हैं हम लोग, सेट थ्योरी। ठीक है, समूह या समुच्चय जिसको बोलते हैं, समुच्चय या समूह या संग्रह। ठीक है, कोई भी चीज बोल सकते हैं तीनों में से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट वाइज चलेंगे। ठीक है, क्या पॉइंट वाइज, ज्यादा नहीं, बस जो पॉइंट जरूरी है उसी को जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका अंदाज है दो पार्ट में करेंगे हम लोग। ठीक है, ज्यादा रस में जरूरी नहीं है भागने की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट इज, सबसे पहले सेट है क्या। ठीक है, सेट इज एक कलेक्शन है। ठीक है, ऑफ डिफाइंड मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड इसके क्या मीनिंग है सब बताता हूं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। क्यों वेल डिफाइंड बोला गया, क्यों वेल डिफाइंड बोला गया, थोड़ा सा और आगे लिखता हूं। ऑब्जेक्ट व्हिच, जो उसमें लिखा जाएगा, व्हिच आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इच अदर मतलब बार बार एक ही नंबर को नहीं लिखना है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर को लिखना है। ठीक है, चलिए सेकेंड का, तो ये चीज समझना है कि बिल्ड कलेक्शन क्या है, वो चीज हम आगे बताते हैं, क्योंकि यहां बताएंगे आप समझना चाहिएगा नहीं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, गाड़ी अपनी बढ़ाते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज किसके लिए है, सेट के लिए। इट इज डिनोटेड बाई जनरली, आमतौर पे बाई कैपिटल लेटर, किसके द्वारा, कैपिटल लेटर, किसका कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे आपको सारा चीज आने लगेगा समझ में, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, इट्स, इट्स किसके लिए है, सेट के लिए। इट्स एलिमेंट इज जनरली डिनोटेड बाय, ठीक है, स्मॉल लेटर्स, ठीक है, स्मॉल लेटर्स, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ए बी सी, ठीक है, अब मान लीजिए नंबरिंग रहा तो नंबरिंग का कोई बात नहीं, नंबर तो नंबर ही है। ठीक है, उसको नंबर को तो डालेंगे हम, ये जनरली बात कर रहे हैं कि जब लेटर लिखने की बात है, मतलब ए बी सी लिखने की बात है, तो जनरली जो उसके अंदर रहेगा वो एलिमेंट, एलिमेंट क्या होगा, सेट के अंदर जो भी रहेगा वो अभी बताऊंगा कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी बस इतना समझिए। ठीक है, अब चलिए अब एक नोट बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक नोट बनाते हैं और एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। देखिए, ये ई की तरह जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको दो तीन नाम मैं लिख देता हूं। ठीक है, पहला बिलोंग्स टू, पहला क्या हो गया आपका, ये बिलोंग्स टू, इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इज इन, ये क्या है सब बताता हूं। एक और इसका लिए वर्ड यूज करते हैं, इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है, कितना समझ गए,
चलिए अब ये क्या क्या मैंने लिखाया पहले उसको बात कर लेते हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू क्या है जो बार बार मैंने बोला था। अब देखिए सपोज मैं बोल देता हूँ कि कोई एक सेट है, अभी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मान लीजिए कि आपको पता है कि सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट को लिख रहे हैं, तो क्या होता है ए ई आई ओ यू, जरूरी नहीं है कि यही ऑर्डर में हो, कोई भी आगे पीछे भी हो सकता है, ए के बाद आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोल दें, ये आपको दे दिए, अब हम बोल दें यहाँ पे कि ए बिलोंग्स टू ए, दो नंबर में ओ बिलोंग्स टू ए, तीन नंबर में एफ बिलोंग्स टू ए। अब आप बताइए कौन सही है। बिलोंग्स टू मतलब होता है इससे, बिलोंग्स टू मतलब इससे, जैसे कि ए पहला क्या हो गया, इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले पहले पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो पहले पढ़ना सीखते हैं हम लोग कि इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलेंगे ए बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे ए बिलोंग्स टू किससे, बाद वाला से, ये जो है उसको पहले लिखेंगे फिर ये बाद में, ए बिलोंग्स टू ए। अब ये कौन है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल ए जो है ए का सदस्य है, उसी चीज को यहां लिखा था इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है। तो नीचे वाले को लिखते हैं ओ इज अ मेंबर, सदस्य, ठीक है, मेंबर ऑफ किसका, ए का, ठीक है, ओ जो है ए का मेंबर है। तो यहां पे देखिए है क्या, ओ मिल गया, मतलब है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है लास्ट वाला, इफ इज इन ए। अब देखिए तीनों वर्ड का हम यूज कर लिए, ऊपर वाला था बिलोंग्स टू इसमें लिख दिया, इज इन नीचे लिख दिया, और ए मेंबर ऑफ यहाँ लिख दिया, मतलब सारे वर्ड को हमने यूज कर लिया। अब आपको जनरली पूछता है यही चीज, ठीक है, कि ये जैसे सेट दे दिया, यह एक सेट है, ये क्या है सेट है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है, अब आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए ए के सदस्य कौन कौन है, अभी बस जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज आपको आ जाएगा, ये गारंटी मिली। अभी क्या है ए, ए में कौन कौन सदस्य, ए ई आई ओ यू। तो अभी पहला क्या बोल रहा है, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ऐसा क्या है यहाँ पे, कैपिटल ए के अंदर स्मॉल ए आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये पहला वाला जो हो गया आपका सही हो गया। इसको समझे या नहीं। अब देखिए ओ बिलोंग्स टू ए कैसे पढ़ेंगे, ओ जो पहले जो लिखा रहेगा वो जो है ना बाद में जो लिखा रहेगा उससे बिलोंग करता है, ऐसा नहीं पढ़िएगा ए बिलोंग्स टू, गलत हो जाएगा। ओ बिलोंग्स टू ए मतलब जो पहले लिखा है ओ, जो पहले लिखा है वो भी वो बाद वाला का सदस्य होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ ओ इज अ मेंबर ऑफ ए, तो देखिए यहाँ पे ओ आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, मतलब आपका ये भी सही है। अब ये बोल रहा है एफ इज इन ए, क्या एफ ए में है, तो इसमें ए तो है, एफ है ही नहीं, मतलब ये गलत हो गया। अभी पहले इतना सीख गया, अब इसको एक और वर्ड से, जैसे इसको क्यों हम बताए हैं, इसको देखिए क्या यूज करते हैं, ये गलत हो गया ना, तो इसको देखिए ऐसे लिखते हैं एफ, ऐसे कर दीजिए और इसको कट कर दीजिए, तो इसका मतलब हो गया बिलोंग्स पहले करता था, कट कर दिया, मतलब इसका मीनिंग हो गया एफ नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू टू ए। इसको कैसे पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, दो वर्ड आपको कीवर्ड याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू या मेंबर या इज इन, और इसका जस्ट उसका अपोजिट कट कर दिए तो, गॉट इट। चलिए इतना समझिए, अभी और धीरे धीरे आते हैं, ठीक है, कुछ नोटेशंस वगैरह जो मैं आपको याद दिला दूं जो पहला क्लास में हुआ था वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं स्टैंडर्ड, एक टॉपिक बनाते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन इसका मतलब क्या होता है हिंदी, जरूरी नहीं है जानना, फिर भी यदि हार्दिक इच्छा हो तो देखिए, मानक
इसके तो अच्छा है इंग्लिश याद रखना, ठीक है, मानक अंकन, ठीक है, इससे अच्छा है हिंदी याद रखना, इंग्लिश याद रखना, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन। अब इसमें हम कुछ कुछ चीज को डिनोट करेंगे जो आप भली भांति जानते हैं। एन किसको दर्शाता है, मैंने कुछ बताया था कि पहला लेटर ले लेने के लिए, तो ये जो दर्शाता है, ठीक है, ए सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, अब ये सब भी नहीं पता तो फर्स्ट लेक्चर से देखिए, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक से ज्यादा होगा, ठीक है, और नेचुरल नंबर का ये नहीं लिखूंगा प्राकृतिक संख्या, ये सब आप लोग जानते हैं। सेकेंड, यदि यही W लिखा रहे तो आपको बहुत अच्छे से पता है इस सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होगा, होल नंबर्स, गॉट इट, बहुत अच्छी बात। अब यदि हम ये बोल दे आपको जेड या आई, हम दोनों चीज चर्चा किए थे, ये क्या होता है, ए सेट ऑफ क्या, इंटीजर्स, पूर्ण संख्या, आपको याद होगा 1, 2, 3, 4 वगैरह जो भी, समझ में आया इतना तक कोई डाउट नहीं। इसी तरह मैंने बताया था आपको कि क्यू रहे तो क्या होता है, ये क्यू रैशनल नंबर को बताता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, नंबर्स, अब रेशनल नंबर्स क्या होता है सब चीज बता चुका हूँ, ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में सब चीज बता चुका हूँ। अब एक और चीज, आर बराबर क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सब क्लियर है। चलिए एक और चीज जो लास्ट है, सी, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, शायद मैं नहीं बताया हूं, बस अभी आप याद रखेंगे, ठीक है, ए सेट ऑफ, ठीक है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इतना यदि क्लियर हुआ तो हम आगे चलें, ठीक है। आई होप ये सब में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई समझाने की चीज ही नहीं है, आप देखते जाए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं हम पूरा, देखिए एन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, एन फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, यहाँ पे देखिए ध्यान देने की बात है, एन यहाँ है, देखिए एन फर्स्ट लेटर, डब्ल्यू होल नंबर, इंटीजर आई, ठीक है, क्यू, क्यू का बस सिर्फ अलग है, ठीक है, क्यू का सिर्फ एक यही बस याद रखने की चीज है, बाकी सबका वही है, आर आर कॉम्प्लेक्स, सी सी, ठीक है, सिर्फ क्यू एक जो है रैशनल नंबर के लिए अलग होता है, बाकी सब आपका सेम होता है, ठीक है। चलिए अब हम मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो रिप्रेजेंट अभी किए हैं ऊपर ए बराबर समथिंग, वो अब पढ़ेंगे, ठीक है। यहां बनाते हैं टॉपिक, क्या बनाते हैं, टॉपिक बनाते हैं, ठीक है, उसको लिखते हैं हम लोग मेथड्स, मेथड्स फॉर, वंस अगेन, डिस्क्राइबिंग अ सेट, हिंदी मीनिंग क्या हुआ मत जानिए, ठीक है, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, सेट मतलब समुच्चय, मेथड मतलब विधि, ठीक है, एक समुच्चय के वर्णन करने के लिए जो विधि है, मतलब एक सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका हिंदी ये हुआ, मतलब रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शन करना, कैसे प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, लिख दें हिंदी, बहुत खुशी हो जाएगी, चलिए लिख ही देते हैं, संग्रह, संग्रह मतलब सेट, समुच्च, आप जो भी लिख सकते हैं, ठीक है, समुच्च भी लिख सकते हैं, समुच्च को वर्णन करने का तरीका, अब इसमें हिंदी में गलत लिखा है तो सॉरी, ठीक है, समुच्चय को वर्णन करने का तरीका क्या क्या होता है, दो तरीके से हम लोग जनरली
जो है इसको बताते हैं। फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे एक नंबर में, उसका नाम हम लोग देंगे, ठीक है। देखिए नाम क्या देते हैं, रोस्टर, रोस्टर, ठीक है। रोस्टर का जब हिंदी जानी पता चलेगा तो उसको भी रोस्टर ही लिखते हैं, ठीक है। या लिस्टिंग, कभी नहीं सुने होंगे कि हाँ आज लिस्ट निकला है फलाना के, मतलब एग्जाम का लिस्ट निकला है वगैरह, उसको हिंदी में कभी सुनते हैं, उसका हिंदी का भी जानने की कोशिश की है, ठीक है। उसको चीज इंग्लिश में जानना चाहिए। या इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर, टेबुलर मेथड, या टेबुलर फॉर्म, सॉरी मेथड तो आई है, टेबुलर फॉर्म। देखिए इसको तीन नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। आपको जो याद रहे, आपको स्वेच्छा जिसमें अच्छा लगे उसको आप याद रखिए, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप तीनों का तीनों याद रखें, ठीक है। टेबलर मतलब है तालिका, कोई तालिका में रखने का, कोई लिस्ट ऐसा बनाइए जिसमें वो रिप्रेजेंट हो सके, ठीक है, बस इतना आप याद रखिए, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, जस्ट हल्का सा, और बस समझने पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, इंस्टीड ऑफ की कॉपी मतलब भरने पर, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश फॉर्म या मेथड, इस मेथड में बात क्या कर रहे हैं हम लोग, इस मेथड पर्टिकुलर की, इस रोस्टर मेथड की, ठीक है। इस शेट इज, ठीक है, डिस्क्राइब वर्णन किया जाता है, ठीक है, डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग, ठीक है, लिस्टिंग एलिमेंट, एलिमेंट को लिस्ट बना के लिख के, ठीक है, ठीक है, सेपरेटेड, इसको हम चेंज करते हैं फिर क्योंकि ये जरूरी है, सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब जानते हैं ना, अलग करना, सेपरेटेड मतलब अलग, सेपरेट घर बनाना मतलब अलग घर बनाना है, ठीक है, सेपरेटेड बाई कॉमास, क्या, सी ओ एम एम ए एस, कॉमास, ठीक है, कॉमा जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, ये वन कॉमा, ठीक है, इतना समझ गया। अब हम पेन चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ करो, ठीक है, विद इन ब्रैकेट, ठीक है, विद इन ब्रैकेट, इसका कहने का क्या मतलब हुआ, हिंदी में लिखे इसका कोई जरूरी नहीं, देखिए इन दिस मेथड, इस विधि में सेट के समूह को डिस्क्राइब करना मतलब वर्णन किया जाता है बाय लिस्टिंग, मतलब एलिमेंट को लिख के और उसको सेपरेट करना है कॉमा से, समझ गए हिंदी। चलिए अब हम इसको एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी ऊपर हम लोग लिए थे, क्या लिए थे, अब हम ए लिख रहे हैं, मतलब ये एक सेट को दर्शाता है, पहले ही हम बता दिए कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है नॉर्मली, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि देखिए ये कर्ली ब्रैकेट आपने सुना होगा, बिल्कुल, बस इसी के अंदर एलिमेंट को लिख देना है, जैसे कि हम वोवेल लेटर को लिख रहे हैं अभी जो ऊपर लिए थे, लेकिन जो अलग अलग करेंगे वो इससे कॉमा लगा के, मतलब समझ रहे हैं, ए उसके बाद ई उसके बाद आई उसके बाद ए ई आई ओ, पहले लिख दे कोई दिक्कत नहीं, यू, मतलब इसमें ये नहीं है कि ऑर्डर एकदम सेम ही रहना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बस जरूरी क्या है, कॉमा से वो अलग होना चाहिए, ये कॉमा से, ऐसा नहीं कि इसमें वन टू थ्री भी हो सकता है, जैसे कि हम मान लेते हैं इसको यदि हम ऐसे कर दें, ठीक है, और यहाँ पे हम वन टू कॉमा थ्री, और तब बन, ये भी पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि जब वोवेल है मतलब जो भी अल्फाबेट है तो सिर्फ अल्फाबेट रहेगा, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नंबर और अल्फाबेट दोनों का भी मिक्सर हो सकता है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए होंगे, तब हम दूसरा मेथड पे चलते हैं जिसको बोलते हैं रूल, रूल मेथड बोलते हैं, रूल बिल्डर, ठीक है, तो आइए उस पर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, ठीक है। इस मेथड को आप अच्छे से समझ गए होंगे, हमको जो आशा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, नेक्स्ट मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू, उसका नाम क्या है,
शीट बिल्डर, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, रूल मेथड। रूल मतलब नियम, मेथड मतलब विधि, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, ये जनरली उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, ठीक है, उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कभी कभी जब ये आ जाता है तो आपका हालत खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। इसको कैसे लिखा जाता है वो देखिए मैं बता रहा हूँ। पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। इन दिस मेथड, इन दिस मतलब ऊपर वाला, ठीक है। इन दिस मेथड वी राइट, हम लोग लिखते हैं, ठीक है, डाउन अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को हम लोग लिखते हैं, और रूल नियम को, प्रॉपर्टी या नियम, ठीक है, को लिखते हैं, विच गिव्स अस, जो हम लोगों को जानकारी देगा, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट पदार्थ वस्तु जो भी उसको बोलिए, ऑफ द शीट बाई दैट रूल। अब इसको पहले समझते हैं, इंग्लिश तो बहुत भारी भरकम लग गया, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, इन दिस मेथड, इस नियम में, वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी रूल, ठीक है, या तो प्रॉपर्टी या तो रूल उसको बोलिए, मतलब हम इस मेथड में एक ऐसा रूल लिखते हैं, ठीक है, व्हिच जो गिव्स अस, हमको जानकारी देता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है, सेट के सारे एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देता है, वो ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखिए जो लिखा था उसको इस मेथड से लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा, कैसे लिखते हैं देखिए, एक्स, ठीक है, सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज अ वोवेल, ठीक है, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, इसको समझे पहले ये कैसे लिखा गया, ठीक है, अल्फाबेट्स लिख देता हूँ, अल्फाबेट्स, ठीक है। अब इसको बंद कर दिए, देखिए यह एक स्टेटमेंट हुआ, इसको इसको कैसे पढ़ते, पहले ये देखिए, इसको पढ़ते एक्स, दो जो ये दिया हुआ उसको बोलते सच दैट एक्स, इस प्रकार है कि, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल नंबर, एक्स इस प्रकार है कि, अब देखिए रेशियो में इसको क्या पढ़ते थे, वो अलग चीज है, ठीक है, यहाँ वो अलग चीज है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हिंदी में, इसको जरूरी है, एक्स इस प्रकार है कि, एक्स उसके बाद सेम लिख दीजिए, एक्स इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल लेटर है, ठीक है, वोवेल है, तो वोवेल, अब देखिए ये ऐसा स्टेटमेंट हुआ, यह ऐसा स्टेटमेंट हुआ ये वाला, जो सबके लिए फिक्स है, वोवेल आपसे पूछेगा तो ए ई आई ओ यू ही बोलिएगा, वो ऐसा स्टेटमेंट इसमें लिखना है ना कि जो पूरा चीज को बता दे, तो वोवेल, यहाँ कीवर्ड क्या है, वोवेल किसका, तो अल्फाबेट का, अल्फाबेट्स जो होते हैं उसमें वोवेल कितना होता है, बस पांच होता है, ए ई आई ओ यू, तो इसको टेबुलर फॉर्म में, कभी कभी वो पूछ देंगे कि इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करो, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट, अब ये जो लिखा हुआ है उसको नंबर मतलब अल्फाबेट्स के फॉर्म में लिख लीजिए, तो ए, लेकिन अलग किससे करना है, कॉमा से, ए ई, ठीक है, आई ओ यू, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर मायने नहीं रखता है, याद रखिएगा, सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ठीक है, बस होना चाहिए। अब ए के जगह पे हम ई से स्टार्ट कर दें, वो भी सही है, कोई ओ से स्टार्ट करेगा वो भी सही है, ऑर्डर मायने नहीं रखता है, सारा एलिमेंट होना चाहिए, है ना, ए ई आई ओ यू, इस ये और ये दोनों बराबर हों,
इसको बोलते हैं टेबलर फॉर्मेट, इसको बोलते हैं रूल फॉर्म, समझ गए। तो ये जनरली यूज नहीं होता, बहुत कम टाइम यूज होता है, मैक्सिमम टाइम आपको इसी को यूज करना होगा, टेबलर फॉर्म को। इतना समझ गए हम, तो हम लोग आगे प्रस्थान करें। चलिए अब हम लोग टाइप्स देखते हैं, किसका टाइप्स, सेट का, कुछ कुछ जरूरी है जानना, ठीक है। तो हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार। अब देखिए हिंदी गलत हो जाए तो सॉरी, समुच्चयों के प्रकार मतलब उसका कितना प्रकार है वो, ठीक है। तो हम लोग कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादा चर्चा करेंगे तो बहुत सारा है, 15, 16, 17 ऐसे पहुंच जाएंगे, तो आप लोग भाग जाइएगा उठ के, ठीक है। तो जो जरूरी है हम लोग वही बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट, फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट, दो वर्ड आपने सुना होगा। फाइनाइट मतलब सीमित दायरा, जैसे अभी लॉकडाउन है तो आपका दायरा फिक्स है ना, तो वही हो गया फाइनाइट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीमित, सीमित समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीमित समुच्चय, गॉट इट। इसमें क्या होता है, नाम ही ये बता रहा है कि इसमें जो नंबर एलिमेंट जो होगा सेट में वो फिक्स होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा, 5, 10, 50, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हो, मतलब जिसका वैल्यू ही नहीं गिना जा सकता, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टू द पॉइंट चलते हैं, ठीक है, ठीक है। ए सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कोई भी सेट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेगा, मतलब जैसे ए आई ओ यू, मतलब हुआ चाहे ए बी सी डी पूरा ए से जेड तक लिखे तो भी फिक्स है ना कि 26 लेटर ही आए, उसी तरह फिक्स होना चाहिए, ठीक है, फिक्स होना चाहिए, समझ गए। पहला खतरा फाइनाइट सेट, जैसे एग्जांपल यदि लिखना चाहिएगा तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें 1 से 9 तक का नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 भी डाल दीजिए। तो ये एक फाइनाइट हुआ, इसमें क्या है वो नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 को इसमें एलिमेंट है, ठीक है। ये बता सकते हैं आप, गिन के बता सकते हैं, इसको फाइनाइट बोलेंगे। अब मान लीजिए हम इधर डॉट डॉट लिख के छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसी को देखिए, जो जो यूज होगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस चीज को ही पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने को बहुत चीज है। जब सिर्फ मैथ पढ़ना होगा तब अच्छे से पढ़ेंगे, और ठीक है। दूसरा होता है देखिए कार्डिनल नंबर, ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ, कार्डिनल, ठीक है, नंबर, ये कार्डिनल नंबर क्या होता है ऑफ अ फाइनाइट सेट, ये कुछ नहीं होता है, बस जो उसमें जितना संख्या है ना उसको यदि गिन के लिख दीजिए वही हो जाता है, ठीक है। कार्डिनल कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में लिख लेते हैं, ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, जिसको नंबर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको लिख देते हैं द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ऑफ फाइनाइट नंबर, ठीक है, ऑफ सॉरी इन अ फाइनाइट सेट, ऐसे लिखते हैं, एक मिनट एक मिनट, ठीक कर लेना, तो फिर से वो वर्ड ना शूट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखते हैं द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ फाइनाइट सेट, इन अ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होगा उसको आप यदि लिख दिए तो वही कार्डिनल नंबर कहलाता है उस सेट का, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम
दूसरा पेन से लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, क्योंकि ये यूज होने वाला है इसलिए मैंने पढ़ा है डिनोटेड बाय, देखिए एन ए, ऐसे लिखेंगे एन ए। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से लेते हैं, अच्छे से समझते हैं, ऊपर वाला ही क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से, जैसे कि ए कोई एक सेट दे दिया 1 2 3 4 9 8 7, बस इतना ही हम लिखे, ठीक है। अब आपको इसका बोलेगा कि कार्डिनल नंबर बता दो, कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस इसमें जितना नंबर है ना उसको बता दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, ये 7 बता दिया, आपका आंसर हो गया, गॉट इट। इसको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कार्डिनल नंबर मतलब जितना एलिमेंट्स है किसी फाइनाइट सेट के अंदर, अब इनफाइनाइट में तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इनफाइनाइट सेट की बात ना करें तो सही है, क्योंकि देखिए जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है, तो उसको छोड़ते हैं। जब फाइनाइट बढ़ा दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनफाइनाइट क्या होता है, जिसमें अनगिनत संख्या हो, मतलब नंबर दिया हो, ठीक है, तो उसको छोड़ दें या उसको भी लिख दें, नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करते हैं, जिसका नाम होता है इम्प्टी सेट, इम्प्टी, या इसको और भी नाम से जानते हैं नल, ठीक है, या इसको एक और नाम से जानते हैं वॉइड सेट, मतलब इसको शून्य सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है। चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग, डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ए सेट कंटेनिंग, अब इसमें क्या को एलिमेंट है, नो एलिमेंट, इसको दूसरा पेन से लिख देते हैं, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट इसको, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि एम्प्टी मतलब नो एलिमेंट, उसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करना जरूरी है, इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं उसको भी कलर चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है, फाई से, क्या फाई, फाई लिखा रहेगा जहां, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या इसको बहुत अच्छा से सजाना है तो ऐसे लिख सकते हैं फाई, मतलब क्या इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, फाई मतलब शून्य है, शून्य है, ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे बस फाई ही रहने दीजिए, जो जरूर मतलब सब लोग मानते हैं उसी को अपने भी मानते हैं फाई, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम लोग 2-3 सेट और पढ़ लेंगे, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, पढ़ाने का बहुत सारा है, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, ये दो चीज जो बता रहा हूँ वो जरूरी है, एक इक्वल सेट और दूसरा पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंट, दोनों में बेसिक डिफरेंस जान लीजिएगा तो कभी गलती नहीं होगा। इक्वल सेट क्या होता है, कोई भी चीज इक्वल आपको पूछा जाए क्या होता है तो क्या बताएंगे, इक्वल मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी डिफाइन होता है, ठीक है। इक्वल मतलब क्या हो गया कि यदि इफ ऐसे लिखते हैं ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट्स है, ठीक है, एक मिनट इसको बी माना लिया, ठीक है, ये बी है, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, इस प्रकार है कि सच दैट एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, बिलोंग्स टू आ गया ना, देखिए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, देखिए क्या लिखे हम, दो बार क्यों लिखे, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, उसी तरह बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होना चाहिए, उस सेट को हम इक्वल सेट बोलेंगे, मतलब समझ रहे हैं आप, कि ए में यदि
कुछ भी लिखा हुआ है तो वो चीज बी में होना चाहिए। सिमिलरली यदि बी में जो चीज लिखा हुआ वो ए में होना चाहिए, कोई में ए ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे कि एक सेट ए लेते हैं, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं ए ई आई ओ यू, इजी है इसीलिए इसी को ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम बी सेट लेते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे ई ओ ए यू आई, ठीक है। देखिए ऑर्डर मायने नहीं रखता है, मैंने बताया था वो चीज यहाँ हो जाएगा। देखिए अब ये इक्वल सेट है कि नहीं चेक क्या करना है, चेक कीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, चेक कीजिए कि यह इक्वल सेट है या नहीं। तो कैसे हम से चेक करेंगे, सॉल्यूशन हम क्या बोलें, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट देखिए ए ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, मतलब चूंकि ऐसे लिखेंगे चूंकि ए बिलोंग्स टू बी, सेट ए बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं, एंड बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मतलब इसका मतलब समझिएगा कि इसका मतलब हो गया कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका मतलब समझ गए, तो क्या होगा, इसीलिए ए बराबर बी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, समझ गया। तो यहाँ पे हो गया ये खत्म। अब हम दूसरा बात करेंगे, ये कितना नंबर था देख लेते हैं, चार नंबर था। अब हम पांच नंबर की बात करेंगे जो कि उसी के तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इक्वी, ठीक है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। ये क्या होता है, हिंदी दोनों का जब निकालिएगा ना तो बहुत बहुत जगह पे सेम चीज आता है, इसलिए हिंदी मत याद रखिए, इक्वल अलग होता है, इक्विवेलेंट अलग होता है। इसमें क्या होता है देखिए, इसको डिफाइन कर देते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, देखिए सच दैट को बस याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। इसको डिफिनेशन में और ऊपर का डिफिनेशन में क्या अंतर है, सो पढ़िए। ये क्या बता रहा है, ए और बी दो सेट है, ऊपर भी यही बता रहा था ए और बी दो सेट है, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है, नंबर पे बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, नंबर पे, कि ए में जितना नंबर है वो बी में जितना नंबर है उस पे बराबर होना चाहिए। मतलब उसमें क्या लिखे हैं आप, ये मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कि ए में हम ऐसा लिख दिए, ए में हम ए ई आई ओ एंड यू लिख दिए, लेकिन हम बी में क्या लिख रहे हैं, बी में हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, 5 एंड 6। अब देखिए ए एंड बी इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है, ए ना है ना कुछ भी नहीं है, इक्वल नहीं हो सकता। अब इक्विवेलेंट है कैसे है, तो नंबर ऑफ, चूंकि ऐसे लिखेंगे एन ए, अभी बताया हूं ना क्वाड्रल नंबर निकालने का, कि नंबर खाली गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एन ए एंड एन बी, इसमें भी कितना है 1, 2, 3, 4, 5। इससे मतलब नहीं है कि इसमें अल्फाबेट है इसमें नंबरिक है, बस नंबर कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पांच है, इसीलिए ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। समझ में आ गया होगा, इक्विवेलेंट और इक्वल में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को,
आज के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। सबसेट, सब सेट एंड सुपर सुपर सेट, सबसेट एंड सुपर सेट क्या होता है वो देखिए। ठीक है, सबसेट एंड सुपर सेट क्या होता है वो देखिए, ये बहुत जरूरी है। सबसेट मतलब उपसमुच, ठीक है ठीक है, इसको मते नाम रखिए हिंदी में, या बस सुपर सेट याद रखिए। सबसेट और सुपर सेट क्या होता है वो याद रखिए। ठीक है, चलिए डिफाइन करते हैं इसको। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, इस प्रकार की, ठीक है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, बिलोंग्स टू बी, ठीक है। बस देखिए उल्टा वाला कंडीशन अभी हम नहीं लिखे, मतलब उल्टा वाला यहां पे नहीं सोचना है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, सिर्फ हम ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो देन क्या बोलेंगे हम, देन दूसरा पेन से लिखते हैं, सेट ए इज नोन एज, शॉर्ट में मैं बताया था नोन एज पे ऐसे लिखते हैं, नोन एज मतलब जाना जाता है, इसका नोन एज का मतलब होता है जाना जाता है, नोन एज, ठीक है, सबसेट, सब सेट ऑफ बी, इसको कैसे दर्शाते हैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इसको कैसे दर्शाते हैं देखिए, जैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग ए, ठीक है, पहले जो ई लिखते थे उसमें बीच वाला हटा के और नीचे लगा दिया, ठीक है, सबसेट ऑफ बी जो इसमें बीच में लिखते थे ना उसको, इसको बोलते हैं हम, ये सिंबल्स है सबसेट ऑफ बी का। ठीक है, अब हम सेट बी की बात करते हैं, सेट बी इज नोन एज, ठीक है, ये भी जाना जाता है सुपर सेट ऑफ, सुपर सेट ऑफ ए, सिंबल यही रहेगा, या जब बी की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यदि सुपर है मतलब बड़ा है तो उसको ओपन साइन दे दूंगा, मतलब ई भी और ये भी दोनों में से कोई लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें को बता रहा है, मतलब ए देखिए फिर से यहां समझ लीजिए, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें क्लियर होती है। देखिए ए में हम कोई वर्ड ले रहे हैं, वन टू थ्री, ठीक है, और कुछ ले लेते, वन टू थ्री फोर ए, ठीक है, बी हम कोई लेते हैं इमेन, उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, और ए ई आई ओ यू सब है ना। अब देखिए आपको क्या चेक करना है कि सब ए सब सेट कौन से, अब इसमें बताना गया है ए सबसेट है या सुपरसेट, बस इतना बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला सबसेट और सुपरसेट में बेसिक अंतर, मतलब चीज वही है बस बोलने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, ए का देखिए किसका किसमें एलिमेंट है ऐसे समझिए, तो देखिए छोटा कौन है, देखने में ही ऊपर वाला छोटा लग रहा है, देखिए तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, एक है दो है तीन है चार है ए है ई है, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो क्या लिखेंगे कि ए सबसेट है। देखिए सबसेट के लिए ऐसे बनाइए और नीचे दिश सबसेट ऑफ बी, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए सबसेट है उपसमुच है, ठीक, सबसेट ऑफ बी, ए उपसमुच है बी का,
इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जब ए बी का सबसेट है तो बी क्या कहलाएगा, ए के बारे में तो बात कर ली, ए के बारे में तो बात कर ली, लेकिन यहाँ बी क्या होगा, सुपरसेट कहलाएगा ए का, मतलब एक ही सिंबल में दोनों चीज छुपा हुआ है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बी सुपर सेट है, सेट ऑफ ए सुपर सेट है। इसका मतलब समझिए, सुपर मतलब क्या, कि इसके पास ना ए का तो सारा एलिमेंट है ही, एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, हो सकता है बराबर भी कभी हो जाए, ये नोट तब तो यहां देखिए ये लिखा हुआ है दिस, ठीक है, बराबर भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ए जो है, ए का तो प्रत्येक एलिमेंट बी में चला गया, तो ए सब में आ गया, मतलब इसके अंदर है, मतलब इसके अधीन है, तो सबसेट, ठीक है, सबसेट, और ये इसका बॉस हो गया सुपर, ठीक है, समझ गए, दोनों चीज क्लियर हो गया। अब हम एक बात करते हैं प्रॉपर सेट की, सबसेट सुपर सेट खत्म हो गया, नंबर देख लेता हूँ कितना, छह नंबर। अब सातवां नंबर की बात करते हैं हम लोग, सात नंबर में क्या बात करेंगे, प्रॉपर सेट। अब ये प्रॉपर क्या होता है उस चीज पर हम लोग आएंगे, बहुत जरूरी है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है हम लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट हिंदी मत जानिए, जानना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं, लेकिन हिंदी में याद ना रखें इस सब चीजों को, उचित उपसमुच इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ठीक है, देखिए लिखते हैं, इफ ए इज, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इसका कंडीशन हो गया कि ए तो सबसेट बी का होना चाहिए लेकिन इक्वल टू नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर से अब कनेक्ट करवाते हैं। अभी देखिए यहां क्या लिख रहे थे, ये सबसेट था और ये इक्वल टू भी दे दे रहे थे, मतलब कि इसका मतलब था कि बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है भी, लेकिन यदि प्रॉपर उचित मतलब 100% सीओटी के लिए बराबर भी नहीं होना चाहिए, हमेशा बी जो होगा एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ए से ज्यादा ही होगा, एटलीस्ट, ज्यादा कुछ भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट एक ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर सबसेट। चीजों को समझना आसान है, बस माइंड को यहाँ रखें। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि ए में कोई भी एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है, बी में क्या होना चाहिए, 1, 2, 3 तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट कुछ और होना चाहिए, तो 4 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ए जो है प्रॉपर सेट ऑफ सबसेट ऑफ बी है, इसको क्या बोलेंगे, ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, दिस हटा दिए, नीचे से जो बराबर का चिन्ह है वो हटा दिए, ठीक है, और इसको पढ़ते कैसे हैं, ए इज प्रॉपर उचित, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, गॉट इट और नॉट, चलिए गॉट इट। अब देखिए इतना चीज पढ़ें और ये सब मिला के जो चीज एक आता है उसको अब पढ़ते हैं, मतलब जो चीज आप सोच सकते हैं ना वो सब चीज इसी में रहता है। आठ नंबर में बात करते हैं, उसका नाम क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट, मतलब इसका सब सबसेट होता है, मतलब ये ऐसा सेट है ना कि इसका सब सबसेट ही होगा, मतलब ये सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा जिसका दर्जा है वही है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। पहले इसको डिनोट कर देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, पहला लेटर बड़का यू, यू से इसको डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। अब ये होता क्या है, लिखने का तो बहुत बड़ा सा मैं बता सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा इस सब का सब जो जितना भी सेट आप सोच सकते हैं ना, सब इसका सबसेट ही होगा, या सब सब सेट को मिला के एक जो सेट बनाइएगा उसी को यूनिवर्सल सेट करते हैं। दो तरीका बोलने का है, ठीक है, चलिए अब इसको लिख ही देता हूं,
मान लीजिए ए, ठीक है, ए ए मतलब ए, ये ए नहीं, मतलब ऐसे ए सेट, मतलब नॉर्मली ऐसे बात किया जा रहा है, ए सेट, ठीक है, कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ ऑल, ठीक है, ऑल पॉसिबल, मतलब जितना संभव हो सके, ठीक है, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, विच अकर्स अकर्स, ठीक है, अंडर कंसीडरेशन, एक मिनट थोड़ा सा, रिलेशन अंडर कंसीडरेशन, ठीक है, अब ये क्या है मैं बता रहा हूं, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, सब लोग यही लिखते हैं, हम भी वही लिखे हैं, लेकिन हम समझाते हैं, बस समझा देते हैं हम, ये क्या है ना कि जो अब जो भी चीज मान लीजिए, जैसे कि देखिए अभी एग्जांपल लेते हैं, ए एक सेट है, हम बोलिए वन टू है, ठीक है, बी एक सेट है, मान लीजिए ए ई है, सी एक सेट है, मान लीजिए कि कुछ भी है, एम एन है, ठीक है, अब देखिए ये सब का यूनिवर्सल सेट बोलेगा कि इसका यूनिवर्सल सेट बनाओ, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा इसका यू जो होगा यूनिवर्सल सेट को क्या होगा, देखिए एक ऐसा सेट बना दीजिए जिसमें सब एलिमेंट, तो हम या तो देख देख के लिख सकते हैं, या तो आप जितना चीज मन सक है लिख दीजिए, अल्फाबेट लिख दीजिए, वन से टेन तक लिख दीजिए, ठीक, वन से नाइन तक, जीरो इंक्लूड, तो वो सब आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ये ऐसा सेट है, यही चीज वो ऊपर बोला कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है ना कि सब इसका सबसेट बनता है, सब इसका सबसेट बनता है, देखिए ए को भी इसी के अंदर है ना सबसेट है, बी भी सबसेट है, ए भी, सी भी सबसेट है, ठीक है, हम सबसेट ही क्यों बोल रहे हैं, प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए इसमें पूरा एलिमेंट हो जाए तो बराबर भी तो हो सकता है, तो बराबर रहेगा तो सबसेट तो रहेगा ही रहेगा, प्रॉपर के लिए क्या होता है इससे ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तो हर समय जरूरी नहीं है आप जो यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, हो सकता है कोई सेट सिमिलर एकदम एग्जिस्ट करता हो, तो उस समय सबसेट लिखना इजी होता है इंस्टीड ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है वो मैं बता दिया, ये भी समझ लिए, चलिए समझ में आया या नहीं, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आठ नंबर था और अब नौ की बात करते हैं, ठीक है, नौ में क्या बोलते हैं पावर सेट, इस सर ने आपको पढ़ाया होगा, पावर सेट निकाल के बताओ क्या होता है, ठीक है, पावर सेट इसको क्या डिनोट करते हैं पी से, ये क्या होता है कोई भी सेट का कितना सबसेट बन सकता है पॉसिबल वो लिख दीजिए, वही चीज को बोलते हैं पावर सेट, ठीक है, चलिए हम लिखते हैं द सेट, ठीक है, फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट्स, ठीक है, सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए, ठीक है, ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड प्रदर्शित किया जाता है बाय पी पावर और ए लिख दीजिए, क्या होता है आइए यहां पे माथा ज्यादा खपाने से अच्छा है एग्जांपल से चलते हैं, देखिए ये हो गया एग्जांपल में, ए मान लीजिए कोई भी सेट है, ए टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, अब इसका बोलेगा कि प्रॉपर सेट बताओ, पावर सेट, सॉरी पावर सेट बताओ, बताएं थोड़ा इज्जत से, ठीक है, ए है एग्जांपल है यहाँ पर, अब देखिए ऊपर क्या बोला है कि इससे जितना सबसेट बन सकता है बना लो,
और उसको एक सेट के अंदर लिख दो, उसी को पावर सेट बोलते हैं। जैसे कि क्या बोलेंगे हम, पावर सेट बनाना है तो इसको पहले छोटा छोटा फॉर्म में तोड़ दीजिए। सबसे छोटा क्या हो सकता है, देखिए 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 एक एक एलिमेंट का भी तो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है सारा बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए दो दो का फॉर्मेशन कीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करिए, तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल छोटा करते हैं, ठीक है, ताकि मैं बता दूं आपको, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएंगे, बस ये देखिए अभी एक छोटा सा लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे पी ए 2 to the power n लिखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा तो ये समझ में आ जाएगा। एन क्या होता है, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें कितना है 5 है ना, 2 to the power 5 लिखिए, कितना आ जाएगा बताइए, 2 into 2 into 2 into 2 32। अब देखिए इसमें 32 एलिमेंट्स आएंगे, इसीलिए मैं नहीं लिखा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं बता रहा हूँ सेम चीज उसमें आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ठीक है, पावर सेट में क्या आएगा उसकी बात हुई, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उतना बड़ा नहीं कर पाए इसीलिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, 32 एलिमेंट समझ रहे हैं, हालत खराब हो जाएगा लिखते लिखते, एकदम छोटा सा लेते हैं, एक और ले लेते हैं 3। तो देखिए पावर सेट कितना आना चाहिए, अब हमको पता है 2 to the power n, n मतलब जितना नंबर रहेगा, मतलब 2 to the power ये कितना है, 1 2 3 3 है ना, मतलब 8 एलिमेंट टोटल होना चाहिए पावर सेट में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक एक का पहले बना दीजिए, 1, 2, 3 ये हो गया। अब दो दो का मिश्रण बनाइए, 1, 2, ठीक है, अब ठीक है 1, 3 ये भी हो सकता है, अब 2, 3। अब ये आप दिमाग ना लगाइएगा कि 3, 2 भी हो सकता है, तो मैंने बोला कि ऑर्डर मायने नहीं रखता, सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता। अब ऐसा आप ना लिख दें भूल से भी कि 3, 2 भी तो हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर मायने नहीं रखता। ठीक है, अब देखिए पहले गिनिए कितना एलिमेंट हुआ, पहले एक एक से बनाए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, अब देखिए 2, 2 हो गया, अब 3 वाला लिख देते हैं, 1, 2, 3, अब कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अरे हम तो 8 लिखे, अब क्या छूट रहा है, तो हमेशा याद रखें उसको अलग पेन से लिखते हैं। ये जो बंदा है 5 जिसको हमने लिखा था नल सेट, वो सब में होता है, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं है, तो ये रहे ना रहे, मतलब ये एक बंदा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब गिन के देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया 8, मतलब 5 तो रहेगा ही रहेगा, ये इम्पटी सेट है, ये क्या है, इम्पटी सेट है, इस सब में आएंगे वहां से, क्योंकि इनका इनमें कोई अंक ही नहीं है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, 5 कहीं भी लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आपसे कभी पूछ दे, चलिए यहाँ पे एक चीज बात कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग वाली चीज, कि पूछ दे कि पावर सेट में मिनिमम कितना एलिमेंट हो सकता है, चलिए नोट पॉइंट देते हैं, कभी आपसे कोई पूछ दे थोड़ा सा तेज बंदा कि पावर सेट में कम से कम, ठीक है, कितना एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए आप बोलेंगे कि सर कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ हो ना हो, मान लीजिए सब कुछ हो नहीं होगा फिर भी तो ये हमेशा रहेंगे, तो 1 एलिमेंट होगा, आंसर आप क्या दीजिएगा, इसका आंसर होगा 1 एलिमेंट। अब हम समझे नहीं, हमको प्रूफ कीजिए, तो लीजिए प्रूफ हो रहा है, क्या बोले थे, पी ए पी भी कुछ भी लिखिए, 2 to the power n, अब मान लीजिए n का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, माइनस में तो जा नहीं सकता है, मतलब
ए के अंदर माइनस एक एलिमेंट ऐसा तो नहीं ना बोल सकते, मिनिमम इसको जीरो कर सकते हैं, टू टू दी पावर सर जीरो कर दीजिए, किसी के पावर जीरो मान वन हो जाता है, प्रूफ हो गया खत्म। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, अब वेन डायग्राम की बात करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उसको अगले दिन बात करना अच्छा होगा, ठीक है, तो आज हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा क्या, वेन, ठीक है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम नेक्स्ट टॉपिक आपका वेन डायग्राम से चलेगा, यूनियन इंटरसेक्शन जो भी पढ़े हैं आप, रूल्स वगैरह वो थोड़ा चलेगा, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस एक और क्लास में खत्म कर देंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट जब ये वीडियो आएगा इसके बाद, बाय बाय एंड थैंक यू।